वेलकम टू वर्षास ट्यूटोरियल्स आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं टेन सी बी एस ई साइंस सिंपल एंड ईजी मेथड में बच्चों हमने स्टार्ट की हुई है टेस्ट सीरीज और आप सब जानते हैं कि एग्जाम में किस तरह से लिखना है आपकी आंसर टेक्निक कैसे होनी चाहिए ये मैंने आपको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है आज जो हम बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जो बहुत ज़्यादा मार्क कैरी करता है कई बच्चों को ये टॉपिक बहुत टफ लगता है लेकिन आप मेरे साथ जुड़िए मैंने आपको बहुत सिंपल और इजी मेथड में पूरा एक्सप्लेन किया है तो चलिए हम बिना कोई टाइम वेस्ट किए आज हमारा जो एसेशन एंड रीजनिंग का केमिस्ट्री वाला पार्ट है इसका जो है लास्ट जो हमारा चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कम्पाउंड क्योंकि पीरियोडिक टेबल तो डिलीटेड है तो हम जो कार्बन एंड इट्स कंपाउंडस है इसको आज कंप्लीट करते हैं और इसके बाद में जो स्टार्ट करूंगी वो हमारी बायोलॉजी की टेस्ट सीरीज होगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पढ़ दूंगी मैं आपको चार ऑप्शन दिए जाएंगे आपको और आपको करेक्ट ऑप्शन ढूंढ के उसका आंसर लिखना है वीडियो स्टार्ट करने के पहले हम सेशन स्टार्ट करने के पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए और कमेंट्स लिखिए आपको सेशन कैसा लग रहा है आपको कोई डाउट है तो आप पूछिए तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड रीजन हैव बीन पुट फॉरवर्ड रीड द स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फॉर्म फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन हमारे चार ऑप्शन दिए हैं ऑप्शन ए है बोथ द दसर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एसर्शन ऑप्शन बी है द दसर्शन एंड द रीजन आर करेक्ट but the reason is not the correct correct explanation of the assertion option c hai assertion is true but the reason is false option d hai assertion is false but the reason is true ye char options aapko diye jayenge aur aapko isme se correct option likhna hai to chaliye hum isko start karte hain आप इसको आराम से कीजिए क्योंकि इसके सारे जितने भी important possibility आने की है वो सारे मैंने cover किए हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ देती हूँ स्टेटमेंट है हमारा एसर्शन है द फॉलोइंग बिलोंग टू द सेम होमोलोग पढ़ देती हूँ सी टू एच फोर सी थ्री एच सिक्स सी फोर एच टेन सी फाइव एच टेन सी टू एच फोर सी थ्री एच सिक्स सी फोर एच सी फाइव एच टेन आप सब जानते हैं ये हमारा फॉर्मूला सी एन एच टू एन यानी एल्कि रीजन

डायमंड हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन टूडे रीजन डायमंड फॉर कटिंग मार्बल ग्रेनाइट एंड ग्लास ऑप्शन बी बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए हम जानते हैं डायमंड हार्डेस्ट है बट डायमंड डायमंडस्ट क्यों है उसका जो क्रिस्टलाइन लैटेस्ट है जिसमें कॉम्पैक्टलीटम्स अरेन्ज होते हैं उसकी वजह से चलिए अब हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं Question number three, assertion. The structure of C60 is arranged in the shape of a football. Reason. The structure of C60 is designed by the US architect Buckminster Fuller. Option B. Both A and R are true. बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए हम जानते हैं ये जो सी आर्किटेक्ट के नाम से ये जो है, हमने जो ये जो जो हमने निकाला है ये यह ऑफ कार्बन है जैसे डायमंड है और ये थर्ड है तो ऑप्शन आएगा बी हम फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वेजिटेबल ऑयल्स आर हेल्थियर देन एनिमल फैट्स रीजन

स्टेटमेंट देख लेते हैं बट डू नॉट वर्क वेल विथ हार्ट वॉटर रीजन डिटर्जेंट आर नॉन बायोडिग्रेडेबल बट वर्क वेल विथ हार्ट वॉटर ये तो बी है वो असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एसर्शन भी करेक्ट है रीजन भी करेक्ट है बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हमारा असर्शन है इथेनॉल इज प्रेजेंट इन एल्कोहलिक ड्रिंक्स. रीजन द फॉर्मूला है तो हमारा ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी एज टू बट आर इज फॉल्स इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है हम सब जानते हैं सी टू एच फाइव ओ एच चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं एसन डायमंड एंड ग्रेफाइड आर ऑफ कार्बन रीजन कार्बन हैज डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म इन द सेम फिजिकल स्टेट ड्यू टू डिफरेंट एटॉमिकेक्ट है करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए चलिए अब हम क्वेश्चन नाइन की ओर बढ़ते हैं

रीजन सी डबल बॉन्ड ओ ये कार्बोनल ग्रुप का फंक्शनल ग्रुप है ये दिपलेस्ट कार्बोनल ग्रुप आर एल डी हाइट एंड कीटोन यूजी अटैच टू अनादर कार्बन कंपाउंड ऑप्शन आएगा ए बोथ ए एन आर आर टू एन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं सर्शन कुकिंग ऑइल डी कलराइज ब्रोमिन वॉटर रीजन कुकिंग ऑइल इज अचुरेटेड कंपाउंड इसका ऑप्शन आएगा बी बोध ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन ट्वेल्व मिथेन इज द सिंपलेस्ट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विच इज अजर कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस रीजन

रीजन ऑल द मेंबर्स ऑफ ए होमोलोग शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टीन एसर्शन है कार्बन कंपाउंड कैन फॉर्म चेन ब्रांच एंड रिंग स्ट्रक्चर रीजन कार्बन एक्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन यस yes, आंसर आएगा ऑप्शन ए ऑप्शन ए करेक्ट है बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन एसर्शन है फ्रॉम विथिन सी एच फोर बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट रीजन इट इज ऑप्टेन बाय सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यस ऑप्शन ए करेक्ट है आंसर जो है ए बोथ ए एंड आर आर टू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं एसर्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड इज एक्सट्रीमली पॉइजनस इन नेचर रीजन कार्बन मोनोऑक्साइड इज फॉर्म बाय कंप्लीट कंबशन ऑफ कार्बन हमारा आंसर आएगा ऑप्शन सी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं असेशन है नॉर्मल पेंटेन आप सब जानते हैं ये आइसोमेरिज्म है आइसोमर्स हैं है ये सारे नॉर्मल पेंटेन आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन आर एग्जांपल्स ऑफ आइसोमर्स रीजन आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल ओनली विथ हाइड्रोकार्बन हैविंग फोर और मोर कार्बन आइटम्स ऑप्शन बी बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए आपको यहाँ पर आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन बतानी चाहिए कि आइसोमेरिज्म क्यों होता है चलिए आगे हम बढ़ते हैं। हैंड्रोकार्बन आर केमिकली लेस रिएक्टिव रीजन ऑल द वैलेंसीज़ ऑफ कार्बन आइटम्स आर सेटिस्फाइड बाय सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए बोथ ए एन आर आर टू And R is the correct explanation of A. Next question aur assertion. Carbon has a strong tendency to either lose or gain electrons to attend noble gas configuration. Reason. Carbon has four electrons in its outermost shell and has the tendency to share electrons with carbon or other element. Iska answer aega. option D. ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू ये मैंने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इससे रिलेटेड जितने इम्पॉर्टेंट असिशन एंड रीजनिंग हैं ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है केमिस्ट्री के हमने चारों चैप्टर्स कवर कर लिए आप इसे पूरा अच्छे से कीजिए एग्जाम्स के अंदर आप इजिली अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं